दो तीन छोटी छोटी रचनाओं से बात शुरू करूंगा, पसंद नहीं आई तो चार पांच बड़ी बड़ी रचनाएं। जिस कविता पे ताली नहीं बजेगी मैं समझूंगा आपकी समझ में नहीं आई है, ऐसी रचना को मैं दोबारा दोहराऊंगा। हाँ बजा दीजिए भाई, ये पहले तालियां इसलिए बजवा लिए क्योंकि बात का भरोसा नहीं। रोजमर्रा की घटनाओं से हास्य निकलता है। मुझे याद है एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखने के लिए गया, कुछ कुछ होता है। इंटरवल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जब हम फिल्म देख के लौटने लगे तो पत्नी बोली, आप मुझे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना शाहरुख खान काजोल को करता है। मैंने कहा, दोनों की परिस्थितियां डिफरेंट है। ये बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोलता हूं ताकि पता लग जाए कि पढ़ा लिखा कभी है। इस पाले से आवाज कम आ रही है, ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ ताकि पता लगे कि जनता में पढ़ रहा हूं मैं, अजनता में नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, जनता में पढ़ रहे हैं सर, वाह वाह दादा। तो पत्नी कहने लगी कि आप मुझे इतना प्यार नहीं करते जितना शाहरुख खान काजोल को करता है। मैंने कहा, दोनों की परिस्थितियां डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि उसे प्यार का नाटक केवल 3 घंटे ही करना है, यहां तो जिंदगी भर का मरना है। और दूसरी बात ये, उसे प्यार करने के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, यहां मिलना करना तो दूर, जिस दिन ढंग से प्यार कर लो तो 10-5 हजार की चोट लगना तो मामूली चीज। और सबसे बड़ी बात ये कि उसे जिससे प्यार करना है वो उसकी खुद की बीवी नहीं है। यही कुछ इंसेंटिव है जो सीन में जान डाल देते हैं। साहब मैं देख रहा हूं मेरी बात सबसे ज्यादा उन लोगों की समझ में आ रही है जो अकेले ही आए हैं। तो जितने लोग जोड़े से बैठे हैं वो तो पहले मेरी बात सुनते हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और तब हंसते हैं। आतंकवाद इसे ही कहते हैं। साहब हमारे गीत ऋषि हुए हैं गोपाल दास नीरज जी, उन्होंने एक बात कही थी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। लेकिन साहब कवि होने के भी बड़े फजीते हैं, ऐसे समझिए अपनी पूंछ में आग लगा करके मोहल्ले में रोशनी करने जैसा काम है। एक बार एक सज्जन आए, कहने लगे, बेधड़क जी घड़ी और पत्नी की तुलना कीजिए। अगर बात समझ में आई तो पीछे तक तालियां चाहिए। वो कहने लगे, बेधड़क जी घड़ी और लेडीज की तुलना कीजिए। मैंने कहा, लीजिए, दोनों ही घूमने से नहीं थकती। अच्छा एक बात बता दूं कि जितनी बातें भी महिलाओं की शान और सम्मान में कहूंगा, समझ लीजिए वो मेरे निजी विचार हैं, और जो बात भी महिला विरोधी प्रतीत हो समझ लेना मैंने अपने सीनियरों से ही ग्रहण किए। हाँ एक बार ताली बजा के आदेश करें। तो सज्जन कहने लगे कि घड़ी और पत्नी की तुलना कीजिए। मैंने कहा, लीजिए, दोनों ही घूमने से नहीं थकती, दोनों ही रात दिन टिक टिक करती हैं, और दोनों के लाइट मॉडल आजकल ज्यादा पसंद किए जाते हैं। भाई साहब घर की बातें यहां पे मंच पे क्यों ला रहे हो? तो मैंने कहा, दोनों ही घूमने से नहीं थकती, दोनों ही रात दिन टिक टिक करती हैं, और दोनों के लाइट मॉडल आजकल ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो सज्जन कहने लगे, समानताएं तो सटीक हैं, कोई अंतर बताओ। मैंने कहा, ठीक है अंतर सुन लो, घड़ी और पत्नी एक की जब चाहे तब आप चाबी भर सकते हो, दूसरी जब चाहे तब आपकी चाबी भर सकती है।
एक की कीमत अच्छी हो तो अक्सर अच्छी निकलती है, पर दूसरी किस्मत अच्छी हो तब अच्छी निकलती है। और एक ज्यादा अच्छी हो तो चोरों की नजर रहती है, और दूसरी ज्यादा अच्छी हो तो औरों की नजर रहती है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बिगड़ जाए तो बंद हो जाती है, और दूसरी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। सारे पत्नी पीड़ित ही बैठे हैं क्या? मैं कह रहा था रोजमर्रा की घटनाओं से हास्य निकलता है। मुझे याद है एक बार मैं सुबह ही सुबह घूमने के लिए जा रहा था, एक मित्र मिल गए, बोले बेधड़क जी ये बताओ कि मुर्गा सुबह ही सुबह बांग क्यों देता है। बोले मुर्गा सुबह ही सुबह बांग क्यों देता है? मैंने कहा ये उसकी चॉइस का मामला है। बोले नहीं, कोई तड़कता सा भड़कता सा कारण बताओ कि मुर्गा सुबह ही सुबह बांग क्यों देता है। मैंने कहा भले आदमी, कोई भी मुर्गा अपनी पूरी बुलंदी में तभी तक चिल्ला सकता है जब तक उसकी मुर्गी सोई हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मुर्गा ही बांग दे। जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो लोग मेरे को खड़ा कर देते हैं, अब कि ये बांग देगा, तो एक बार आगे से पीछे तक तालियां बजा कर। एक बार एक मेढक ज्योतिषी के पास गया तो ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, शीघ्र ही तुम्हें इस नरक से मुक्ति मिलेगी। मेढक बोला महाराज कैसे? ज्योतिषी बोला शीघ्र ही तुम्हारी मुलाकात एक सुंदर युवती से होगी जो तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेगी। मेढक बोला महाराज उससे मेरी मुलाकात कब और कहाँ होगी? ज्योतिषी बोला अगले हफ्ते बायोलॉजी की लैब में। मेढक उदास हो गया, बोला महाराज मैं तो सोचता था कि वो मुझे स्पर्श करेगी, फिर मैं पुरुष रूप में आ जाऊंगा, उसके बाद वो मेरा वरण करेगी और उसके बाद हम खुशी खुशी जीवन यापन करेंगे। ज्योतिषी बोला बेवकूफ, फिर से नरक भोगना चाहता है? अगर सुंदर युवती के साथ जीवन यापन करने से खुशी मिल जाती तो ये सारे लोग बेवकूफ हैं जो रात को 9:45 बजे भी यहां कविता सुनने के लिए बैठे हैं। बोले तेरे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बार जी भर के देख लियो, झटके में चला जा, ये रोज रोज की हलाल की जिंदगी में क्या रखा है। लेकिन साहब लोग इतनी सलाह देते कहां, इतनी अच्छी सलाह, और कोई सलाह दे भी दे तो लोग उस पर अमल नहीं करते। मुझे याद है एक बार मेरे पास मेरे मित्र का फोन आया कि बेधड़क जी आपके मोहल्ले में जो मिस्टर गिलगोत्रा रहते हैं उनकी बड़ी बेटी से मेरी शादी होनी है, कैसी है? मैंने कहा अच्छी है, कर ले। तो शाम को पत्नी झल्लाई, बोली आपको पता नहीं मिस्टर गिलगोत्रा की बेटी कितने जिद्दी स्वभाव की है, तुम्हारे दोस्त की जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम उसे सही सलाह नहीं दे सकते क्या? मैंने कहा क्यों दूं, उसने मुझे दी थी क्या? तब इसीलिए मुझे लगता है कि शादी के मंडप में धीरे धीरे चलने की रिवाज हमारे बुजुर्गों ने बड़ी सोच समझ के बनाई थी, ताकि फेरे लगाते लगाते अगर दूल्हे की अकल जाग जाए तो हो सकता है फेरे पूरे करने से पहले ही भाग जाए। अच्छा, कविता अच्छी होने के लिए जरूरी नहीं है लंबी कविता हो, 2 लाइन में भी कविता हो जाती है। क्या सोच रहे हो, पत्नी ने प्रश्न किया, मैं चुप हो गया, उत्तर ही नहीं दिया, कविता खत्म हुई, तालियां बजाई। क्या सोच रहे हो, पत्नी ने प्रश्न किया, मैं चुप हो गया, उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि उत्तर देने से कविता नहीं कहानी बढ़ती है, और अक्सर आदमी को ही मुंह की खानी पड़ती है। अच्छा आप ही बताओ क्या फर्क पड़ता, बल्कि प्रश्नों का सिलसिला और बढ़ता। पत्नी कहती है ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना, और घर में और भी तो काम है,
इसलिए सोचा चुप रहना ही अच्छा है। अब कोई सोचे तो सोचता रहे कि डरता है जोरू का गुलाम। अरे आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है, आधे लोग तो घर पे ही, अब मुसीबत को घर पे ही छोड़ के आए, इसलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या मन अभी चला गया है? आप लोग बड़े मन से कविताएं सुन रहे हैं, अभी है 5 मिनट आप लोग बड़े मन से कविताएं सुन रहे हैं, लेकिन केवल मन लगाना कवि का मर्म नहीं है। मैं चाहता हूं कि 2-4 छोटी छोटी रचनाएं 5 मिनट के दौरान ऐसी कह दूं जो मनन के लिए हो, जिन्हें आप घर लेके जाएं। एक बार मुझे आदेश दे दें। माँ के ऊपर एक मुक्तक सुनाने का मन है कि सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। और जितनी तेरी उम्र हुई है उतनी तो उपवास है माँ। तो बानगी के तौर पर एक मुक्तक माँ के ऊपर, एक छोटी सी ऐसी रचना अम्मा के ऊपर। अम्मा आप लोग जानते हैं, दादी माँ, ये आपकी यूपी की और ब्रजभाषा की भाषा का पुट लिए हुए है। इसमें केवल एक ही बात याद रखनी है, आड़े का मतलब है लेटे हुए या हॉरिजॉन्टल, और ठाड़े का मतलब है खड़े हुए। सारे लोग समझते हैं साहब, आड़े और ठाड़े, बिल्कुल। एक बार आदेश करें ताली बजा करके तो मैं समझा। अम्मा गुर्राई जी का कर रही हो मेरे कमरे में, नाती बोलो मैं फोटो खींच रही हूं कैमरे में। अम्मा गुर्राई जी का कर रही हो कमरे में, नाती बोलो मैं फोटो खींच रही हूं कैमरे में। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकोन को है। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकोन को है। अम्मा तुम रजाई ओढ़े ऐसी धरी रहो, मैं फोटो खींच रही हूं जाड़े का। अम्मा बोली फोटो तू एक नहीं 10 खींच पर ठाड़े का। अम्मा बोली रुक, फोटो एक नहीं 10 खींच पर ठाड़े का, क्योंकि आड़े की फोटो अगर काऊ बच्चा ने मेरे मोबाइल के डीपी में डाल दई तो मुसीबत खड़ी है जागी नई। सब पड़ोसी जे पूछवे आ जाएंगे अम्मा है कि निकर गई। और अंतिम 4 पंक्तियां और एक रचना धरती माँ के ऊपर, समय की अपनी सीमा है। एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा, मंच का ध्यान चाहूंगा, अंतिम 4 पंक्तियां हैं। एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि माँ तेरे मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात तुझे मेरी सौगंध सच सच बता कि क्या तेरे मन में विचार कभी नहीं कौंधते हैं कि दिन भर ये करोड़ों लोग तुझ पर चलते हैं अपने पैरों से रौंदते हैं। एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि माँ क्या तेरे मन में विचार कभी नहीं कौंधते हैं कि दिन भर ये करोड़ों लोग तुझ पर चलते हैं अपने पैरों से रौंदते हैं। इतना सुन के माँ हंसने लगी, बोली बेटे पहले भगवान माँ को कष्ट सहने की क्षमता देता है और तब कहीं जाके उसको ममता देता है। पहले भगवान माँ को कष्ट सहने की क्षमता देता है और तब कहीं जाके उसको ममता देता है। मैं माँ हूं, दुनिया का हर आदमी मुझे अपना बच्चा लगता है, इसलिए अपने सीने पर इनका चलना मचलना मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है।